बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, टाइप ऑफ नंबर सीरीज। इसका भी पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा इंशाल्लाह ताला। कितने टाइप की नंबर सीरीज होती है? सबसे पहले तो देखें, नंबर सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं एडिशन। ठीक है, कहाँ कहाँ आते हैं नंबर सीरीज के सवाल? फास का टेस्ट है, नस का टेस्ट है, ठीक है जी, आई क्यू के पोर्शन में सी एस एस हो गया आपका, वहाँ जनरल एबिलिटी में आता है, इसके अलावा एस एस बी में। तो सारे मैं आज आपको टाइप बता रहा हूँ। देखिए, 10 है, 12 है, 22 है, 34 है, सीरीज बढ़ रही है। इस सीरीज को कहते हैं हम एडिशन सीरीज। कौन सी होती है एडिशन सीरीज? 10 प्लस 12 कितना हुआ? 22। 12 प्लस 22 आप बताएंगे कितना होता है? 34। तो अब क्या होना चाहिए? 22 और 34 को प्लस होना चाहिए, होकर के कितना हो जाएगा? 56। यानी कंटिन्यू एडिशन है। देखें, 10 और 12 प्लस किया 22, 12 और 22 किया तो फिर हमारे पास हो जाएगा 34। 22 और 34 को प्लस करें कितना हो जाएगा? 56। यहाँ देखें, 6 और 10 प्लस किया 16, 10 और 16 को प्लस किया 26, 16 और 26 को प्लस किया 42। अब देखें प्रोडक्ट की सीरीज, 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 27 को फिर क्या करें? 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, आप क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी एक और सीरीज है, 1/9 और 9 है, इन दोनों की प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है? 1। 9 और 1 की प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 9। 1 और 9 की प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 9। 9 और 9 की कितनी आएगी? 81। अगले में 9 और 81 की प्रोडक्ट कर लेते हैं, या 9 और 27 की कर लेते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू प्रोडक्ट चल रही है। मेरे भाई, एक और सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर्स की सीरीज। जैसे कि देखें, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 81 किसका है? 9 का। 64 किसका है? 8 का। 10 का स्क्वायर आया, फिर 9 का भी स्क्वायर आया, 8 का भी, तो किसका स्क्वायर आएगा? 7 का। कितना होता है भाई? 49 होता है। या देखो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी ऑड नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं। अब 9 का स्क्वायर 81 आ सकता है। ऐसे ही और होता, फर्स्ट करो 400 दिया हुआ होता, 324 होता, क्या मेरे भाई, और 16 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास 256, 14 का 196। मैं देखूंगा 20 का स्क्वायर, 18 का, 16 का, 14 का, तो 12 का स्क्वायर जो कि 144 होता है। कहाँ तक स्क्वायर याद होने चाहिए आपको? 25 तक। क्यूब कहाँ तक याद होने चाहिए? 15 तक। पहले 25 नंबर के स्क्वायर, पहले 15 के क्यूब। ये देखें, अब क्यूब की सीरीज है, 5128 का क्यूब, 343 किसका होता है? 7 का क्यूब, 216 किसका होता है? 6 का क्यूब। तब क्या आना चाहिए? 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ये देखिए, 14 का क्यूब, 13 का क्यूब, 12 का क्यूब, तब किसका क्यूब आएगा? 11 का क्यूब। यहाँ देखें, बड़ी अच्छी सीरीज है जिसको हम कहते हैं जंपिंग सीरीज, या टू सीरीज भी कह लें, क्योंकि देखें बाज़ाहिर इसको लोग नहीं पकड़ पाते। ये 2 का है, फिर 6 है, 2 3 6, 6 3 18, जंप हो रही है, एक छोड़ के सीरीज चल रही है। 18 3 कितना होता है भाई? 54। यहाँ क्या चल रहा था? 3 5 7, 7 के बाद 9 9, इधर आना चाहिए और 54 इधर, क्योंकि एक एक जंप करके चल रहा है। ये मैंने बताया था ना कि आपको भाई 14 का क्यूब, 13 का क्यूब, 12 का क्यूब याद होना चाहिए, तो 11 का क्यूब 131 होता है। एक और जंपिंग सीरीज ऐसी है, देखिए 3 और 15, 3 5 15, 15 5 3 45। वैसे यहाँ पे एक सीरीज चल रही होगी, 8 3 24, 24 3 72। अर्थमेटिक सीरीज, ये क्या होती है? यहाँ देखो कितने का फर्क था? 1 का। यहाँ कितने का फर्क है? 3 का। यहाँ कितने का फर्क है? 5 का। यहाँ कितने का फर्क है? 7 का। और से देखो, पहले इन दो नंबर में 1 का फर्क, 3 का, 5 का, 7 का फर्क, दो दो करके बढ़ रहा है। 2 का इजाफा, 2 का इजाफा, 2 का इजाफा, 7 में 2 का इजाफा करें तो 9, यानी 77 प्लस 9 86। ये सीरीज अक्सर लोगों को परेशान कर देगी। इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है? 112 का। इन दोनों में कितने का आ रहा है? 114 का, और माइनस में हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखें तो 116 112 114 116, यानी दो दो करके डिफरेंस चेंज हो रहा है। अब कितना कम होना चाहिए? 118। जब 82 में से 118 माइनस करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, वैल्यू माइनस में चली जाएगी। फ्रैक्शन,
वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर, वन अपॉन सिक्स, तो ऑफकोर्स वन अपॉन एट हो जाएगा। डेसिमल की सीरीज है, देखो यहाँ पॉइंट फाइव बड़ा, पॉइंट सिक्स बड़ा, पॉइंट सेवन बड़ा, अब क्या बढ़ना चाहिए, पॉइंट एट। 5.8 में 0.8 प्लस कर दोगे तो 6.6। अब देखो बहुत सारी ऐसी सीरीज भी होती हैं जैसे कि स्क्वायर का एडिशन, बताता हूँ। 100 है, 101, 105, 114, 130, 1 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस हो रहा है। अब क्या प्लस होना चाहिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25। 130 में 25 प्लस कर दोगे क्या हो जाएगा, 155। ऐसे ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि फर्ज करो 400 होता, 399 हो जाता, 395 हो जाता, 386 हो जाता, 370 होता। मैं पकड़ता कैसे कि देखो यार 1 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, 9, 16, 1, 4, 9 और 16 में रिलेशन क्या है, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25। जब मैं माइनस करूँगा यहाँ से तो मेरे पास 345 आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भाई। इसी तरह बाज़ो का क्यूब का एडिशन होता है, फर्ज करें मेरे पास 40 था, अब इसमें 41 लिखा है, फिर 49 है, और उसके बाद 72 है। मैं गौर से देखूँगा, 1 प्लस हुआ, 8 हुआ, 27 हुआ। भाई क्या रिलेशन है भाई, 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 को किस में प्लस कर देंगे, 72, 136 आ जाएगा। ऐसी एक और टाइप होती है जिसमें हम कहते हैं क्यूब का सब्ट्रैक्शन, 200, 199, 191, 164, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8, फिर क्या हो रहा है, 27, तब क्या होना चाहिए, 64 भाई, 1 का क्यूब सब्ट्रैक्ट होगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको नंबर सीरीज़ की टाइप बताई है, एक वीडियो में इस पर और बताऊंगा, और इंशाल्लाह ताला फिर इनसे बाहर ये मेरी श्योरिटी है कोई नंबर सीरीज़ नहीं आती, सारी नंबर सीरीज़ आपकी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, मेरा आपसे प्रॉमिस है।